हेलो दोस्तों, न्यू एग्जाम चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं हूँ परमानंद और आज आप सबों के लेकर के आया हूँ IOCL का आज एक बार फिर से बम्पर वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब का वैकेंसी निकल करके आया है गुजरात रिफाइनरी से। अब मैं उसका फॉर्म फिलअप करने का तिथि, लास्ट डेट और उसका प्रोसीड्योर जानेंगे, कितना वैकेंसी आया है, किस में कितना वैकेंसी आया है, वो सारा जानने का कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड गुजरात रिफाइनरी का ये वैकेंसी आया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी यहाँ पे देख सकते हैं, JR 05/2019। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डाला गया है और इसका जो ऑनलाइन स्टार्ट करने का जो तिथि है, स्टार्टिंग डेट, वो आपका 10 तारीख से। जी हाँ दोस्तों, आपका ये 10 तारीख से, ये आप देख सकते हैं, कॉमर्स ऑन द 10/10/2019। ठीक है दोस्तों, और लास्ट डेट इसका यदि कहा जाए तो लास्ट डेट इसका है आपका 30 तारीख को, ये देख सकते हैं। ठीक है, यदि कहा जाए पोस्ट तो टोटल है 38 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आया है 16 और EWS कैटेगरी के लिए आया है 3 पोस्ट। SC के लिए 3 पोस्ट हैं, ST के लिए 6 पोस्ट हैं, OBC नन क्रीमी लेयर के लिए 10 पोस्ट हैं, PW&BD के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। अब जो PW&BD में आते होंगे वो यदि आप वैकेंसी फिलअप करते हैं तो आप जेंडर पोस्ट के लिए फाइट कीजिएगा। देखा जाए तो पोस्ट कोड जो है 101 के लिए आया है। यहाँ पे जो दिया गया है क्वालिफिकेशन, नेम ऑफ द पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आया है। क्वालिफिकेशन मांगा गया है 3 ईयर्स का डिप्लोमा जो होना चाहिए आपका, केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए या रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग होना चाहिए, या BSc है मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री से या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका एक मिनिमम परसेंटेज रखा जाता है जो 50% है OBC के लिए और जेंडर के लिए, और 45% रखा गया है SC ST कैंडिडेट के लिए। एरिया ऑफ यदि एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो मिनिमम 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है आपका पंप हाउस में, फायर्ड हीटर में, कंप्रेसर में, डिस्टिलेशन कॉलम, रिएक्टर में, हीट एक्सचेंजर, इन पेट्रोलियम रिफाइनरी, और ये जो आपका होना चाहिए। यदि आपका ये किसी और प्लांट में भी ये सब का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ पर्सनल दे दिया गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो है होना चाहिए किस में, आप पेट्रोलियम रिफाइनरी होना चाहिए, पेट्रोकेमिकल्स होना चाहिए, फर्टिलाइजर्स होना चाहिए, हैवी केमिकल्स होना चाहिए, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होना चाहिए। ये सिर्फ नाम का दिया गया कि आपका इससे इससे होना चाहिए। यदि आपका दूसरे प्लांट में भी काम कर रहे हैं जहाँ पे ये सारा इक्विपमेंट यूज हो रहा है तो आप फिर इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एक बार देख लिया जाए, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में सेकेंड नंबर में दिया गया कैंडिडेट प्रोसेसिंग डिप्लोमा अंडर द रिकॉग्नाइज्ड लेटरल एंट्री स्कीम क्लास 12th ITI इंटरमीडिएट इन द सेकेंड ईयर डिप्लोमा कोर्स शैल ऑल्सो बी कंसिडर एलिजिबल फॉर द सब्जेक्टेड टू द मीटिंग। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि यदि आप ITI करने के बाद डिप्लोमा किए हैं जो लेटरल एंट्री से आते हैं तो वो भी एलिजिबल है, बेशर्ते उसका मार्क्स जो होगा वो 4th सेमेस्टर तक, 4 सेमेस्टर का जो मार्क्स होगा, 3rd 4th 5th 6th,
इस सब का मार्क्स का एवरेज निकाल करके उसमें लिखा जाएगा। और यदि आप बीएससी में बायोलॉजी से होंगे तो आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया गया है कि बीएससी ओनली पीसीएम। ठीक है, नेक्स्ट यदि देखा जाए तो कहता है यदि आप हायर क्वालिफिकेशन है आपके पास, एमबीए है, ग्रेजुएट है, एमसीए है, सीए है, सीएस है, आईसीडब्ल्यू है, एलएलबी है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट ये सर आप पढ़ लीजिएगा, और इसका इस बार जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फॉर ओमेन दिया गया, जैसा कि नो ओमेन इज परमिटेड टू द वर्क इन और अलाउड टू इंटर एनी बिल्डिंग इन विच द जनरेशन ऑफ गैस फ्रॉम द डेंजरस पेट्रोलियम एज डिफाइंड एज द पेट्रोलियम एक्ट, नो मैन इज अलाउड टू द वर्क एलपीजी स्टोरेज हैंडलिंग एरिया अकॉर्डिंग ओ मैन कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द वैकेंसी इन द प्रोडक्शन। ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि ओ मैन जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये जो पोस्ट निकला है, ये आप ओमेन यदि हैं तो ओमेन ये पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है एस सी एस टी के लिए, ये तब देख लीजिएगा। और एज लिमिट जिसका जो रिजर्व मिलता है उस अनुसार से देख लीजिएगा। और ये आपका फी जो है फ्री होगा अप्लाइन, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। और ये आपका कुछ सिलेक्शन मेथोलॉजी दिया गया है कि इसमें जो है आपका फर्स्ट जो है आपका रिटेन मार्क्स होगा, रिटेन मार्क्स आपको कम से कम 40% मिनिमम आना चाहिए फॉर क्वालिफाई के लिए। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा और ये इसमें जो है रिजल्ट जो है दो गुना देगा। यानी कि यदि यहाँ पे 38 सीट है तो 38 × 76 स्टूडेंट का यहाँ पे रिजल्ट देगा, उसमें से आपको फिर सिलेक्शन के समय इंटरव्यू में छांटा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए आप इसका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल देख लीजिएगा कि इसका फिजिकल फिटनेस का क्राइटेरिया क्या क्या है। यहाँ पे लिंक दिया गया, इस लिंक पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपका ओपन हो जाएगा, उस क्राइटेरिया को देख लीजिएगा एक बार फॉर्म फिलअप करने से पहले। और काहे कि मेडिकल में बहुत प्रकार का बहुत जगह दिक्कत डालता है। ठीक है, और ये जो फॉर्म है, फॉर्म वैकेंसी भरने के बाद जो है अप्लाई करने के बाद जो है आप इस पोस्ट पे भेज सकते हैं। ये पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, जो जो यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करके दिया गया, सेल्फ अटेस्टेड करके जो है आपका वहाँ तक 9 तारीख तक पहुँच जाना चाहिए, 9 नवंबर 2019 तक आपका ये फॉर्म हो करके वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं, इसका ऑनलाइन अप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है 10 तारीख से, लास्ट डेट है 30 तारीख, और लास्ट डेट जो है प्रिंट आउट का आप 9 नवंबर तक ही निकाल सकते हैं। यदि आप चाहिएगा कि 10 नवंबर को निकालें तो आपका ये नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसका रिटेन टेस्ट जो है दिया गया है कि ये आपका वडोदरा में होगा, वो 10 तारीख का दिया गया है। साथ ही साथ रिजल्ट जो अनाउंस्ड होगा वो भी दिया गया, 15 नवंबर को रिजल्ट अनाउंस होगा। और यदि कहा जाए तो जब वो आप फिलअप कर लीजिएगा तो साथ साथ ये भी टिक लगा लगा के जो जो आप लगाइएगा वो इसमें फिलअप कर दीजिएगा। साथ साथ ये पेज भी ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर, नेम और सिग्नेचर लगा कर ये भी पेज निकाल लीजिएगा, इसको भी भेजना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो उसको ये भी वैकेंसी में, इस वैकेंसी में ये भी फॉर्म फिलअप करके भेजना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी वैकेंसी EWS के लिए फिलअप करना पड़ेगा। यही था, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इसी प्रकार से वीडियो लाते रहता हूँ। और अब मैं जस्ट अब अगला जो होगा वीडियो वो आपका प्रीवियस ईयर
पूछे हुए जॉब का क्वेश्चन लाने वाला हूँ। तो यदि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाइएगा तो आपका वो छूट सकता है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू। ओके, बाय बाय।